नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। एक बार फिर हम बहुत लंबे समय बाद अनबॉक्सिंग की वीडियो लेकर आपके सामने आ गए हैं। आज हम एक Vivo के मोबाइल का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि एकदम लेटेस्ट पीस है, और इसके सारे फीचर्स को भी हम जानेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे कि ये कैसा मोबाइल है। तो ये रहा आपके सामने Vivo Y21T का पीस, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 6 nm का है, और 8.0 nm ट्रेंडी स्लिम डिज़ाइन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसमें 50 megapixel का रियर कैमरा मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा कैमरा है 50 megapixel का, और आपको इसमें 5000 mAh की 18W फास्ट चार्जिंग के साथ बैटरी मिल जाती है, और इसमें आपको टाइप सी नहीं टाइप डी आपको चार्जिंग मिलती है जो कि नया आया है, और जितने भी वीवो के नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें सब में टाइप सी नहीं आ रहा है। इससे जो टाइप सी है उससे भी थोड़ा सा चौड़ा इसका पिन रह रहा है। और ये रहा आपके सामने Vivo Y21T का पीस, इसका हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, और इसका हम रिव्यू भी देखने वाले हैं कि कैसा मोबाइल है। इसके हम कैमरा टेस्टिंग करेंगे, इसमें कौन सा एंड्रॉयड है वो उसको भी देखेंगे, और इसको स्टार्ट करके भी हम देखेंगे कैसा आपको इसका माइक्रोफोन है, कैसा इसका बैकग्राउंड का डिज़ाइन है। सामने का बैकग्राउंड का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है जिसको कि अभी हम लोग देखने वाले हैं मोबाइल को अनबॉक्स करके। कुछ इस टाइप का मोबाइल है, और ये आप बॉक्स इसको देख सकते हैं यहाँ पर। और ये रहा Vivo Y21T का, और ये Vivo IPL स्पॉन्सर्ड है, और आपको मालूम है अगर Vivo IPL का स्पॉन्सर्ड ये पीस है तो बहुत ही अच्छा पीस होगा। Vivo Y21T मोबाइल है, तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स और इसका देखते हैं रिव्यू कि कैसा मोबाइल है विद फीचर्स एक्सप्लेन्ड ये वीडियो होने वाला है। और इसके लास्ट में जब वीडियो आप देख लीजिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ उसी मोबाइल का, अमेजोन का, जो कि बहुत ही सस्ते मोबाइल में है। इसका प्राइस भी मैं बता दूंगा आगे वीडियो में, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार ज़रूर जाके चेकआउट करेगा। बहुत अच्छा पीस है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इसके बारे में शेयर किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा Vivo Y21T का स्मार्टफोन, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा स्मार्टफोन है। Vivo Y21T का कवर जो कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। तो चलिए अब हम मोबाइल का पीस देखते हैं, उससे पहले हम इसके कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। जैसे कि इसमें Vivo IPL स्पॉन्सर्ड है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है। इसमें सबसे पहला जो है स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर मिल रहा है, और आपको इसमें 8.0 nm की डिज़ाइन मिल जा रही है, बिल्कुल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और अगर हम देखें तो 5000 mAh की बैटरी है, और इसमें आपको 80W की फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है। तो आपको ये सारे फीचर्स देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा, इतने कम कॉस्ट में आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। का है Vivo Y21T का स्मार्टफोन। तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्लास्टिक में से निकालते हैं। कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन है, पीछे से आप देख पा रहे हैं। 50 MP का रियल कैमरा है, और ये रहा आपका क्विक स्टार्ट गाइड जो कि सारे स्मार्टफोन में दिया जाता है कंपनी द्वारा, और इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड सारी दी हुई हैं। और ये रहा इसका बॉक्स, और चलिए अब हम मोबाइल को देखते हैं। हमने आ चुका है फ्रेश पीस Vivo Y21T का, इसका स्लिम डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं, और इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ऑन स्क्रीन जहाँ से आप पावर बटन दिया हुआ था वहाँ पर दिया हुआ है। और ये रहा कैमरा का डिज़ाइन, और ये बिल्कुल स्लिम डिज़ाइन है इस मोबाइल का। और ये रहा ये इसमें टाइप डी जैक है, और इसमें आपको माइक्रोफोन का भी मिल जाता है, और स्पीकर यहाँ पर दिया हुआ है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये रहा स्पीकर, और स्लिम डिज़ाइन के साथ ये Vivo Y21T का स्मार्टफोन आपको मिलने जा रहा है। और इसमें एंड्रॉयड 11 है, और इसका जो रिलीज़ डेट है वो 1 जनवरी 2022 है जो कि भारत में रिलीज़ किया गया था। तो चलिए अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ रहा है, तो आप इसको देखिए किस तरह का है। मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, वाईफाई से सारे इसमें दिए हुए हैं पॉपअप बार में, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर और अल्ट्रा गेम मोड एक अच्छा चीज़ दिया हुआ है, और इसमें आपको 1080p पिक्सल मिलते हैं जो कि बहुत अच्छा है, और फ्रंट टच OS 12 है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। इसके कैमरा की अगर हम बात करें तो कैमरा कुछ इस टाइप का है। चलिए हम फोटो करके भी आपको दिखाएंगे कि फ़ोटो इससे कैसी आ रही है। कलर मिडनाइट ब्लू और पियर वाइट में आता है,
जो कि पीछे के डिज़ाइन में होता है, और इसमें जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर का है। और ये मैंने फ़ोटो खींच ली है, फ़ोटो को देखते हैं, फ़ोटो एकदम क्लीन है। चलिए एक और फ़ोटो खींच कर देखते हैं कि इसमें, इस फ़ोटो में आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा। एक और फ़ोटो हम खींचते हैं लेते हैं, और इसमें आपको अगर हम बात करें तो 1000 GB तक का एक्सपेंडेबल मेमोरी है, और ये हमने फ़ोटो खींच लिया है। तो चलिए अब हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन, 50 MP का रियर कैमरा, देख सकते हैं आप कितना क्लियर आया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट मिल जाता है। और रियर कैमरा की अगर हम बात करेंगे तो 50 MP का एक कैमरा है, 2 MP का एक कैमरा है, 2 MP, टोटल 3 कैमरे आपको मिलने वाले हैं। और अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन में भी जाके मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। और फ्रंट कैमरा आपको केवल एक मिलने वाला है, वन टच OS 12 है, हेडफोन 3.5 mm का जैक है, और फ्रंट टच OS 12 वीवो का अपना मिलता है। और अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड वर्जन 11 है, और इसमें आपको 3G 4G दोनों सिम में सपोर्टिव मिल जाता है। SIM 1 SIM 2 आपको दोनों में 4G LTE मोड मिलने वाला है, और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें मिलेगा, कंपास मैग्नोमीटर वाला भी मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलेगा, एक्सेलरेटोमीटर भी मिलेगा, और लाइट सेंसर भी मिलने वाला है। तो नंबर ऑफ सिम्स इसमें आप 2 यूज़ कर सकते हैं। और फ्रंट टच OS से एक वीवो का अपना होता है उन लोग का, तो वीवो के सारे मोबाइल में फ्रंट टच OS दिया जाता है। सिस्टम अपडेट फ्रंट टच OS को नेट चाहिए तो, और ये बैटरी बैकअप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बैटरी बैकअप केवल 41% पे एक दिन से ज़्यादा चल सकता है। और इसकी जो इंडियन कॉस्ट प्राइस है वो है ₹1600 490 अमेजॉन पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट करिए, और नेटवर्क एंड इंटरनेट में आप देख सकते हैं। और ये रहा डायनामिक इफ़ेक्ट्स, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि वीवो में बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसका अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये 90 Hz का रिफ्रेश रेट है। स्क्रीन साइज टोटल 6.58 इंच की है, और टच स्क्रीन भी है, और रिजोल्यूशन आपका 1080p का है। तो आपने देखा कि ये कैसा स्मार्टफोन है। तो आपने देखा वीवो Y21T के फुल फीचर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आया हो, और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियोस या अन्य टेक रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर हमेशा रेगुलरली आते रहते हैं। और ऐसे ही कई सारी अनबॉक्सिंग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अधिक से अधिक लोगों के साथ ये शेयर करिएगा कि इतना सस्ता फ़ोन इतने सारे फीचर्स के साथ आपको मिल रहा है, वो भी बिल्कुल सस्ते में। और मुझे लगता है ये 16,500 तक की प्राइस है, जैसा कि मैंने बताया अभी। और इसमें आपको एक चीज़ बेनिफिट मिलता है कि 4GB रैम और 6GB रैम आपको रैंडमली मोबाइल में मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या मिलता है, 4GB प्लस 1GB एडिशनल फ्री स्टोरेज, जो कि बहुत ही अच्छा मोबाइल में ये फीचर बन जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा इसको आगे के लिए प्रोसीड करने के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। चलिए अगले नए वीडियो में मिलते हैं, अगले नए अनबॉक्सिंग के साथ, अगले नए टेक रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।